सो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बात करने वाले हैं उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग भर्ती से जुड़ी बड़ी अपडेट के बारे में। उत्तराखंड में 1564 पदों पे जो नर्सिंग ऑफिसर पदों पे जो भर्ती गतिमान है, जिसका कि आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस के लिए यहाँ पे बुलाया गया है कैंडिडेट को। इस भर्ती को लेकर हम कुछ बड़ी अपडेट यहाँ पे देखने वाले हैं। जो लेटेस्ट न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है उसके बारे में हम डिटेल से यहाँ पर जानेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस भर्ती को लेकर जो बड़ी अपडेट ये न्यूज़ जो आ रही है कि जो 15 फरवरी के बाद के जो सर्टिफिकेट बने हैं वो मान्य नहीं होंगे, ठीक है। तो जो उत्तराखंड में जो नर्सिंग अधिकारी के जो 1564 पदों पर भर्ती के लिए जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस में जो है उन अभ्यर्थियों के जो प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट नहीं चलेंगे जिन्होंने कि 15 फरवरी के बाद ये जो है प्रमाण पत्र बनवाए होंगे। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने 31 मई से शुरू होने जा रहे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस के लिए यहाँ पे दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड की सचिव गरिमा रंगकेली ने बताया कि हाई कोर्ट में दायर याचिकाओं में पारित आदेशों के तहत जो नर्सिंग ऑफिसर परीक्षा में शामिल किए गए ऑफलाइन जो आवेदनकर्ताओं को 19 मई को प्रवेश पत्र जो है आवेदन पत्र में ईमेल के आईडी से भेज दिए गए हैं। किसी को भी डाक के माध्यम से एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। और 31 मई से 28 जून के बीच जो आपका बोर्ड का जो कार्यालय है शास्त्री नगर लेन नंबर 3 में, यहाँ पे जो है नर्सिंग ऑफिसर जो एप्लीकेंट है इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस किया जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो आपको अपने साथ में लाना जरूरी है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिन कैंडिडेट ने ऑफलाइन आवेदन किया है उनको जो एडमिट कार्ड है आयोग ने ईमेल के माध्यम से भेज दिया है, और बाकी जो और कैंडिडेट है उनको लॉगिन करके अपना एडमिट कार्ड जो है वहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। और जो बड़ी अपडेट ये है कि 15 फरवरी के बाद के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे ये यहाँ पर मान्य नहीं होंगे।